हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रश्मि आपका आपके यूट्यूब चैनल जीके क्रैक कंपटीशन में स्वागत करती हूँ। आज हम जीके के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन बी ENIAC। तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन सी 1946। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ऑप्शन डी 1960। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन बी संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 2 दिसंबर। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन डी वॉलफार्म अल्फा। इनमें से कौन इनपुट इकाई है? ऑप्शन डी इनमें से सभी। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर है? ऑप्शन ए 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? ऑप्शन डी सिलिकॉन से। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? ऑप्शन सी लोगो। एक सुहा निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन बी नोटबुक कंप्यूटर। कोंडात्रक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ऑप्शन डी कोंडांतरण से मशीन तक। मल्टी प्रोसेसिंग होती है? ऑप्शन बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्शन सी CD-ROM। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? ऑप्शन डी अर्थमेटिक या फिर लॉजिक। CPU के ALU में होता है? ऑप्शन बी रजिस्टर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी ALU। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं? ऑप्शन बी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर।
सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। ऑप्शन सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। परिचालन संपन्न करता है। ऑप्शन बी, अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? ऑप्शन सी, सीपीयू। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है? ऑप्शन डी, सीपीयू। माइक्रोप्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, माइक्रोचिप। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है? ऑप्शन सी, आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? ऑप्शन बी, सीपीयू द्वारा। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं? ऑप्शन बी, प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक है? ऑप्शन डी, ये सभी। कंप्यूटर की क्षमता है? ऑप्शन सी, सीमित। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन बी, कृत्रिम। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? ऑप्शन ए, सामान्य। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन बी, मानव मन। ईडीपी क्या है? ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी, सीपीयू। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है? ऑप्शन ए, बिना स्टाफ के नकदी देना। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? ऑप्शन बी, डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? ऑप्शन सी, प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र है? ऑप्शन सी, अबेक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।